What's up guys? Welcome to our channel Multi M Square. तो आज तो कुछ स्पेशल है, मतलब कि आज से मैं एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ. जैसे कि आपको रॉजर सीरीज बहुत ही अच्छा लगा था, सो आई थॉट कि और एक सीरीज लाना चाहिए. तो ये वाला सीरीज सारे मेकअप्स के ऊपर होगा. कैसे आप स्टेप बाई स्टेप इजी वे में मेकअप कर सकते हो, वो सारा मैं इस सीरीज में दिखाने वाली हूँ. सो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है. तो इसी तरह आप ऐसे ही बने रहना, तो आपको ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगा. और एक बात, ये वाला सीरीज ना मैं हर एक दिन पोस्ट करने वाली हूँ, मीन्स की अपलोड करने वाली हूँ. सो आई गेस कि आपको ये वाला सीरीज भी बहुत ही अच्छा लगेगा. सो नो फर्दर लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अच्छा, पहला वीडियो हम आईब्रो बनाना सीखेंगे कि आईब्रो को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फेक आईब्रो बना सकते हैं जो कि वो ओरिजिनल दिखे. तो चलो शुरू करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले ये जो मेरा खुला हुआ वाला है उसे सेट कर लेती हूँ. अच्छा, तो आईब्रो के लिए बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कि ब्राउन होता है, देन ग्रेइश ब्लैक होता है, देन ब्लैक होता है. तो इतना सारा कलर्स देख के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होता है कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूँ, कौन सा कलर मेरे पर सूट करेगा, कौन सा परफेक्ट है. ओके, तो आप कलर को चूज़ कैसे करेंगे? सिंपल सा वे है, आपका हेयर कलर जो भी कलर का होगा, जैसे कि अगर आपका हेयर ब्राउन है देन आप ब्राउन कलर पिक करोगे अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए. अगर आपका बाल लाइट ब्लैक कलर का है तो आप ग्रेइश ब्लैक यूज़ करोगे, नहीं तो अगर आपका बाल पूरा जेट ब्लैक है देन आप ब्लैक कलर यूज़ करना अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए. इधर एक कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ. आपके हेयर कलर के हिसाब से अपने आईब्रोज कलर को चूज़ करना है. ओके, अच्छा देन नेक्स्ट, अगर आप पर आईब्रो थोड़ा रियलिस्टिक दिखे ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है. तो अपने आईब्रो को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए आप आईब्रो पुली यूज़ करना. ओके, तो सबसे पहले आईब्रो पुली लेना, उससे आप इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, हाँ, और एक बात है, आप पहले आईब्रो लाइनिंग नीचे से करना. सो आप ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में अपने आईब्रो हेयर को ऐसे करना, जिससे क्या होगा, आपको ना आईब्रो लाइंस दिख जाएगा कि आपको कहाँ लाइनिंग करना है. तो इधर आप देख सकते हैं, इधर लाइनिंग. ओके, तो अब मैं लाइनिंग करूँगी. तो उसके लिए आप ऐसे फ्लैट ब्रश लेना, फिर मैं इधर ब्राउन कलर पिक करूँगी, क्योंकि ना मेरा इतना भी जेट ब्लैक कलर मेरा हेयर है नहीं, थोड़ा लाइटिश ब्लैक है. तो मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ, उसे आप लेके अपने फ्लैट ब्रश से उसे आप लेके इधर लाइनिंग दिख रहा है उस लाइन में आप फिल करोगे. ओके, इधर आप स्टार्टिंग पॉइंट से, ओके, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट से आप शुरू मत करना, नहीं तो वो अनइवन लगेगा, रियलिस्टिक नहीं दिखेगा, जो कि हमें रियलिस्टिक शो करना है. ओके, तो आप थोड़ा सा लिटिल बिट छोड़ के इधर से करना. ओके, इधर से लाइनिंग करना शुरू करेंगे. तो मैं इधर तो कलर ले ली हूँ. ओके, और एक है कि आपको डार्क लाइनिंग नहीं करना है, सॉफ्ट लाइनिंग करना. ओके, जिससे कि बाद में आपको पता भी चल जाएगा अगर आप थोड़ा गड़बड़ हो तो, इतना कष्ट नहीं होगा, इजी होगा मिटाने के लिए. तो आप सॉफ्ट लाइनिंग करना. ओके, एंड सेकेंडली मैं सॉफ्ट लाइनिंग करती हूँ बिकॉज आप देख सकते हैं कि मेरा हेयर ऑलरेडी डेंसी बहुत है. ओके, डेंस बहुत है मेरा आईब्रोज का, तो मैं लाइट कर रही हूँ. ओके, सो ओके, इधर एट ब्रश में ये जो पॉइंटेड वाला है इसे आप इस तरफ से रखना. मैं बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग दे रही हूँ. ओके, अब
आप देख सकते हो मैं पूरा लाइनिंग में ही आपको कलर फिल की हूँ, दिख रहा है। फिर से आप नॉर्मली आईब्रो पुली को लेना, देन डाउनवर्ड लेना, ओके, हेयर को आईब्रो हेयर को डाउनवर्ड करना। इससे आपको फिर से लाइनिंग दिख जाएगा, वही सेम चीज, स्टार्टिंग से नहीं करना है, आप थोड़ा छोड़ के करना, ओके। अब आप क्या करोगे, इस ब्रश में बहुत ही कम प्रोडक्ट बचे होंगे और आपको प्रोडक्ट लेना नहीं है, वही जितना ही प्रोडक्ट आपके ब्रश में बचा है बहुत ही कम बचा होगा, तो आप हल्का हल्का सा, ओके, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि आप हेयर के ग्रोथ देख सकते हैं ऊपर की ओर, ओके। तो नाउ आप वही आईब्रो पुली लेना, देन सारे चीज को मर्ज करना, ओके, इस तरह से। पहले ऐसे ऐसे कर लेना, देन नॉर्मली ऐसे ग्लाइड डाउन कर लेना। देख सकते हैं थोड़ा रियलिस्टिक, हाँ इतना भी आपको फर्क लग नहीं रहा होगा बिकॉज मेरा हेयर का थोड़ा डेंस बहुत ज़्यादा ही है, जिसका कम भी है ना डेंस आईब्रोज का, वो भी इसी फॉर्मूला से आप करना, इसी ही टेक्निक से आप करना, आपको इजी होगा एंड बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा, ओके। सो या यस इट्स डन, लिटिल बिट देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंस लिटिल बिट लग रहा है, आप इधर से स्टार्टिंग से थोड़ा डार्क सा लग रहा है, लग रहा है कुछ नहीं लगाया है, और इधर बहुत सारे गैप्स हैं इधर, सो तो मैं इस साइड भी जल्दी से कर लेती हूँ स्पीड अप से, ओके। काम बाकी है, आप यस आप इधर भी ऐसे छोड़ सकते हैं, इतना करके आपको थोड़ा और शार्प लुक चाहिए तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ऐसे फ्लैट ब्रश में कंसीलर ले लेना, देन आप अपने आईब्रोज की साइड से ले लेना, जिससे अगर आपका आईब्रो थोड़ा सा, अगर आपसे आईब्रो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग गया या कुछ हो गया, तो आप कंसील करके उसे परफेक्ट कर सकते हो स्लाइटली, इतना सारा कंसील मैं नहीं करूँगी, बस स्लाइटली करूँगी, वो कैसे। ओके, देन ऊपर भी वैसे ही लाइनिंग कर लेंगे, स्लाइटली, मैं इतना भी प्रोडक्ट नहीं ली हूँ, पूरा स्लाइटली ही। अब मैं इसे ब्लेंड कर ली हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँ, आप चाहें तो ऐसे नॉर्मली हैंड से भी ऐसे ब्लेंड कर सकते हो। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, Thank you.
वाइटिश लग रहा है, आप चाहें तो अपने स्किन टोन कलर हिसाब से भी आप इधर कंसील कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। ओके, मैं इस तरफ से नहीं तो आपको स्किन टोन कलर से कंसील करती हूँ। ओके, तो मैं स्किन टोन कलर लेती हूँ, थोड़ा सा ही लेना है ये वाला। मैं स्पीड अप पर डालती हूँ, वैसे ही ऐसे ही टेक्निक पे लगाना है, बस मैं सिर्फ शेड अलग कर रही हूँ। देन सेम आप फिंगर से ब्लेंड कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर सकते हो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, सिर्फ ये थोड़ा वाइटिश लग रहा है, ये थोड़ा स्किन टोन से मैच कर ले रहा है। देन आपको इसे थोड़ा सेट करना है, इसीलिए मैं इधर लूज पाउडर ले रही हूँ। लूज पाउडर लेके मैं आप ब्यूटी ब्लेंडर में ले ले रही हूँ, आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर को आईब्रो मेकअप डन। आपको इतना डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, बिकॉज मुझे भी इतना लग नहीं रहा, बाकी फिर भी अच्छा है। अगर किसी का डेंस कम है आईब्रो का, आप इसी सेम टेक्निक, इसी सेम फॉर्मूला से आप इस तरह से लगाए, आपको नेचुरल लुक मिलेगा। सो इधर हुआ मेरा आईब्रो मेकअप डन। ओके, मैं नॉर्मल सेटअप पे आ जाती हूँ। सो यस, आपको यह आईब्रो मेकअप कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? एंड आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो और आप मुझसे सीख पाए कि कैसे आईब्रो लगाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मैं कल, बिकॉज कल भी और एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाली हूँ। आई होप कि ये वाला सीरीज भी आपको बहुत ही अच्छा लगा। सो चलो, दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट भी कर लेना और शेयर कर लेना, ताकि जो आईब्रो लगाना चाहता है पर उससे थोड़ा अनइवन होता है, वो लगा नहीं पाते हैं, तो उसे शेयर कर लेना, वो शायद मेरे वीडियो से सीख सके कि कैसे आईब्रो नेचुरली लगाना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड ओके, सब्सक्राइब करना, ये जो रेड कलर का बटन लिख रहा है, सब्सक्राइब रखा है, उसे सब्सक्राइब कर लो, और साइड में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसे ही प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ एक नया वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले देख सके। तो चलो, टेक केयर एंड बाय बाय।